आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल का आतंकी ढेर। दिल्ली के बॉर्डर से आज पूरी तरह होगी किसानों की घर वापसी, सिंघू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स हटाए जाएंगे। नोएडा में विदेश से आए 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। यूपी चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 6 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। जेपी नड्डा आज भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ जाएंगे अयोध्या, सीएम योगी भी रहेंगे अयोध्या के दौरे पर। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। चंदौली पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां जेपी नड्डा के साथ भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पड़ाव स्थित दीनदयाल स्मारक स्थल पहुंचे, जहां सभी ने 63 फीट ऊंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मारक पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान जेपी नड्डा की पत्नी समेत अन्य मुख्यमंत्रियों की पत्नियां भी मौजूद रही। जहां एक ओर योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के प्रतिनिधि महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ताजा मामला जालौन कालपी कोतवाली की रहने वाली महिला निधि राठौड़ का है, जिसका आरोप है कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता है, लेकिन जब वो न्याय के लिए थाने जाती है तब उसका पति सत्ता की हनक दिखाकर बच जाता है। जिसके बाद अब महिला डीएम के पास पहुंची, जहां उसने अपने पति और भाजपा के नगर मीडिया प्रभारी संतोष सिंह राठौड़ का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। सर, मैं मैडम के पास आई थी, सब जगह मैं गई, मैं सर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं मैडम के पास हताश होकर आई थी कि शायद वो महिला हैं तो मेरी गुहार सुने, क्योंकि मेरी शादी 2009 में संतोष सिंह राठौर नगर मीडिया प्रभारी कालपी से हुई थी सर, 9 बीजेपी के सर, और 9 से आज तक सर मुझे बहुत परेशान करते, मारपीट करते हैं। उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी है, तो कई बार मुझे बंदूक की बट से भी बहुत मारा। 2015 में इनको जेल भी हुई थी, क्योंकि मैंने 100 नंबर डायल किया अपनी रक्षा करने के लिए, तो इनकी बंदूक भी जमा हो गई थी, 3 दिन की जेल भी हुई थी। फिर सभी लोगों ने इनको जमानत करवा लिया, फिर इनकी बंदूक वापस भी आ गई। इसके बाद इनको यही घमंड है कि हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कहीं भी जाओ, क्योंकि ये बीजेपी के। तो महिला ने डीएम से अब मदद की गुहार लगाई है, उसका कहना है कि उसका पति सत्ता के नशे में चूर है और हमेशा सत्ता की हनक दिखाकर बच जाता है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो पीड़िता ने ये आरोप लगाया है कि उसका पति जब से उसकी शादी हुई है तब से उसे उस पर अत्याचार करता है, उसे मारता है पीटता है। जहां एक और योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का दावा कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ उनके ही प्रतिनिधि महिला पर अत्याचार कर रहे हैं। ताजा मामला जालौन कालपी कोतवाली की रहने वाली महिला निधि राठौड़ का है, जिसका आरोप है कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता है, लेकिन जब वो न्याय के लिए थाने जाती है तब उसका पति सत्ता की हनक दिखाकर बच जाता है। जिसके बाद अब महिला डीएम के पास पहुंची, जहां उसने अपने पति और भाजपा के नगर मीडिया प्रभारी संतोष सिंह राठौड़ का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया।
सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई गांवों का आवागमन बंद हो गया है। इस समस्या को लेकर सैकड़ों लोग धरने पर बैठ रहे हैं। रेल प्रशासन ने कृषि कार्य और गैस सिलेंडर जैसे कई स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ लेने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थनगर से ये खबर सामने आ रही है। भाजपा के सांसद ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा के दौरान अपनी संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई गांवों का आवागमन बंद हो गया है। इस समस्या को लेकर सैकड़ों लोग धरने पर बैठ रहे हैं। रेल प्रशासन ने कृषि कार्य और गैस सिलेंडर जैसे कई स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ लेने जैसी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अब खबर फरुखाबाद विकास खंड कमालगंज की है, जहां स्कूल में वसूली के दौरान दो फर्जी पत्रकारों को लेकर लोगों ने पकड़ लिया और पकड़े गए फर्जी पत्रकार इससे पहले भी कई सरकारी स्कूलों में वसूली कर चुके हैं। अवैध वसूली से परेशान टीचरों ने गाड़ी समेत फर्जी पत्रकारों को पकड़ा। फर्जी पत्रकार ने पैर छूकर महिला टीचर से माफी मांगकर मामले को निपटाया, जिसके बाद सरकारी टीचरों ने फर्जी पत्रकारों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फरुखाबाद से ये खबर सामने आई है, जब फर्जी पत्रकार सरकारी स्कूलों में पकड़े गए हैं। फर्जी पत्रकारों को पकड़ा गया टीचरों द्वारा, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, किस तरह का मामला ये सामने आया है, किस तरह से टीचरों ने इस व्यक्ति को पकड़ा है जो अपने आप को पत्रकार बता रहा था? इमीडिएट मामला सामने आया, थाना कमालगंज क्षेत्र के एक प्राइमरी विद्यालय का मामला है, जहां पर फर्जी पत्रकारों द्वारा टीचरों से अवैध वसूली की जा रही थी। तो वहीं पर इनको टीचरों द्वारा पकड़ लिया गया, और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास भी कोई आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं प्राप्त हुआ, और एक तरीके से अवैध वसूली करने का कार्य लगातार जारी करे हुए थे और बहुत से टीचरों से ठगी भी कर चुके थे। और कल जब इन्हें टीचरों ने पकड़ा तो माफी मांगते हुए पैर छूते हुए वीडियो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन्होंने जो पैसे लिए थे वो भी वापस किए हैं, और ऐसी ठगी की घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती हैं जी। तो क्या टीचर, स्कूल के टीचर पहले से जागरूक थे, उनको पता था इस तरह की ठगी की जा रही है, किस तरह से पकड़ा गया इस फर्जी पत्रकार को? जब ये पैसे के मामले लेने के लिए ही विद्यालय में आए थे, जो इन्होंने पहले से दबाव बना रखा था, एक महिला टीचर थी उन पर दबाव बना रखा था, तभी उनको टीचरों ने वहां पर पकड़ लिया, और जब इनसे पूछताछ की गई तो कोई भी समुचित जवाब नहीं दे सके कि ये रुपए किस आधार पे इन अध्यापकों से लेने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, तो अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तक किसी प्रकार की तहरीर पुलिस प्रशासन नहीं दी गई है, लेकिन जो जिला मीडिया एसोसिएशन है उसके तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे फर्जी पत्रकार जो पत्रकारिता का काम करने वाले लोग हैं, जो सही कार्य करते हैं, उन सभी के साथ पर बट्टा लगाने का कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। वहीं रुक करते अगली खबर की तरफ। सीतापुर के विकास खंड लहरपुर के ग्राम पंचायत निबोरी में कई लोगों ने आरोप लगाया है कि शौचालय और आवास को लेकर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है, जहां ग्राम पंचायत सचिव मोहम्मद साकिब और पूर्व प्रधान हिमांशु दीक्षित के कार्यकाल में कुछ आवास पात्रों को दिए गए, जिनकी जांच चल रही है। वहीं पर 961 शौचालय भी बनाए गए थे, लेकिन इसमें से 150 शौचालय भी नहीं बने, फिर भी इसका पैसा निकाल लिया गया, जिसको लेकर पीड़ितों ने प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को सौंपा है। तो अब इस मामले पर जांच चल रही है, जो फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। सीतापुर से खबर सामने आ रही है, ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अपात्रों को घर आवंटन कर दिया गया था। ग्राम पंचायत निबोरी में कई लोगों ने आरोप लगाया है कि शौचालय और आवास को लेकर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव मोहम्मद शाकिब और
पूर्व प्रधान हिमांशु दीक्षित के कार्यकाल में कुछ आवास पात्रों को दिए गए, जिसकी जांच भी चल रही है। 961 शौचालय बनाए गए थे, बनाए जाने थे, लेकिन इसमें से 150 शौचालय भी नहीं बन पाए हैं और फिर भी इसका पैसा निकाल लिया गया है, जिसको लेकर पीड़ितों ने प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी को दिया है और अधिकारी इसकी जाँच कर रहे हैं। महोबा में बेटे के इलाज में मालिक ने पैसा न देने और आर्थिक तंगी की वजह से बेटे का इलाज न करा पाने से परेशान होकर पिता ने खेत में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और आक्रोशित परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रख कर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने SDM ने परिजनों को समझा कर कार्यवाही करने और सरकारी मदद का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सर इसलिए जाम लगाया गया कि सर यहाँ कोई सुन नहीं रहा था उसका, उसको उसके पिता ने इसी को देख के उसकी आत्महत्या कर ली। क्या घटना हो गई, क्या किसको देख के क्या हुआ? सर घटना ये हुई है कि सर उसका पैर कट गया था, तुलसीदास का। कैसे कट गया था? सर थ्रेसर से कट गया था, वो ले गया मैया दिन ले गया था। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उसका पूरा इलाज होगा, उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी और जो सरकारी लाभ है वो भी मिलेंगे। अब जाम खोला गया है, अभी अब घर जाएंगे क्या करेंगे? सर अब घर जाएंगे घर। अभी अभी आज भी घटना हुई है कोई आपके साथ? आज घटना ये हुई है कि सर आज हमको हमारे बड़े पापा वहाँ पेड़ से लटके हुए, तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था, एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है और उनकी मांग थी कि उनका बेटा जो है वो बीमार चल रहा है, उनका इलाज है। कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं हमारे पास, जिस जिस योजनाओं का लाभ हम दे सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था ये परिवार, आखिर इसके बेटे को किस इलाज की जरूरत थी? आपको बता दें, ये जो बलराम है मृतक, ये इनका एक पुत्र तुलसीदास बीते एक माह पहले एक कोई गांव का ही इसको थ्रेसिंग के लिए काम करने के लिए ले गया था, जहां थ्रेसिंग करते समय इसका एक पैर कट गया था और दूसरा पैर बुरी तरह से घायल खराब हो गया था, जिसको तुरंत इसके ग्वालियर ले जाया गया, वहां भर्ती कराकर और जो थ्रेसिंग करवाने ले गया था गांव का ही व्यक्ति, वो वहां छोड़ के भाग आया। लगातार इसका इलाज चलता रहा, उसने जिसके यहाँ काम करने गया था उसने इसके बेटे का इलाज करने से मना कर दिया इलाज कराने से, जिसको लेकर ये परेशान था और बेटे की तकलीफ कहीं ना देख पाने के कारण इसने 8 दिन पहले ये घर से गायब हो गया था। और ये मंगलवार की सुबह गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में लगे पेड़ में फांसी के फंदे से लटकता मिला और जब ग्रामीणों ने सूचना दी तो परिजन वहां मौके पर पहुंचे और पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को लेकर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। जी दिलीप, पुलिस ने आश्वासन तो दे दिया है लेकिन अब जांच किस तरीके से की जाएगी? जी मौके पर कोतवाल और भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, इसके अलावा SDM श्वेता पांडे हैं जो SDM कुलपहाड़, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो मृतक के परिजन है उनको ये आश्वासन दिया है कि जो व्यक्ति मृतक के पुत्र को ले गया था वो उससे मदद कराई जाएगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं है उनके माध्यम से जो भी होगा मुआवजा या अन्य मदद जो मृतक के परिजन है उनको दी जाएगी। तब समझा बुझ प्रशासन की समझा बुझाने के बाद बड़ी मुश्किल से करीब 2 घंटे बाद जाम खुल सका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता दिलीप जुड़े थे महोबा से। वही अब खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने चार्ज संभालते ही पैदल गश्त पर निकले। इस दौरान उन्होंने आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की, इसके बाद उन्होंने देसी शराब के ठेके पर जाकर छानबीन करते हुए शराब की बोतलों पर लगे बार कोड को स्कैन किया, जबकि पैदल गश्त के दौरान उनकी नजर एक गरीब महिला पर पड़ी जो सर्दी में ठिठुर रही थी। तभी थाना अध्यक्ष ने महिला फोर्स के साथ उन्हें कंबल वितरित करते हुए थाने में ले जाकर महिला को खाना खिलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।